से एक है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप रोजाना इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपको जीवन में बहुत कुछ हासिल होगा। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि देवी गायत्री को कैसे प्रसन्न किया जाए तो यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं। पहला, जितनी बार संभव हो मंत्र का जाप करें। जितना अधिक आप पाठ करेंगे उतना ही अधिक शक्तिशाली होता जाएगा। दूसरा, अपने आसपास के सभी संवेदनशील प्राणियों का सम्मान करें और उनके प्रति दयालु रहें। अहिंसा और करुणा देवी मंत्र साधना के अपरिहार्य कारक हैं। तीसरा, वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए पूरी एकाग्रता और समर्पण के साथ इस पाठ करें। चौथा, दैनिक जीवन में सत्यता आचरण करें। भले ही आपकी नज़र में आपको अपने जीवन में कोई बदलाव होता ना दिखे, फिर भी इस मंत्र का जाप करते रहें, क्योंकि इसका असर देखने में समय लगता है। जब वे प्रकट होते हैं तो वे आपके जीवन में लंबे समय तक प्रभाव डालते हैं और एक अपरिवर्तनीय परिवर्तन लाते हैं। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।